हरी चटनी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने बहन जी इधर अपना पल्ले बनाने में लगी पड़ी है, जैसे हर साल होली में बनाती हूँ। बनाऊंगी इसका मसाला, इसको मैंने सिर्फ रोस्ट करा है। लो वे मित्रों, इन्होंने तो बना दी है चटनी इमली वाली। वाओ, ये तो लागत वाली है। सबसे पहले तो भाई हैप्पी होली। yes. आप सभी को आज है छोटी होली, और मम्मी ने होली के पावन मौके पर बनाई है पूरियां, और साथ में है मट्ठा और अपने पंडारे वाले आलू बनाए हैं, और ये आई है कढ़ी। कढ़ी तो भाई जीश आ गया आज तो। चलो खाते हैं। देख रहे हो ना कितनी हल्की हल्की है पूरियां, कितनी पतली लेयर वो है, लेयर लेयर फोकी फोकी पूरियां, कितनी खा लो जीश आ रहा है। कढ़ी भी ले लेना। यो मैम, तो चलो खाते हैं हम खाना। खाने का टाइम हो गया, हम सुबह से लगे हुए थे, तो अब चलो हम खाना वगैरह खा लेते हैं और मिलते हैं फिर। तो देखिए भाई, हम लोग कल सामान लेके आए थे, ये इमली है, ऐसा लग रहा है नट्स हैं, इमली है, तो इसको मैं गर्म पानी में भिगो के रखूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी मीठी वाली चटनी, यानी कि लागत वाली चटनी। तो आपने बहुत पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा, पहले वाली होली में। तो चलो मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। तो चलो मैं इसे ना एक बार ना वॉश कर लेती हूँ, ये वाला पानी फेंक देती हूँ, और फिर इसमें डाल दूँगी एक बार वॉश करके, फिर इसमें भिगो के इसको रख दूँगी दूसरे पानी से। तो फाइनली अब हम हरी चटनी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने डालूँगी कच्चा आम, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये मिंट हो गया यानी कि पुदीना, और हरा धनिया। ये तो वॉश करके सब कुछ रख लिया है, अब फटाफट इसको पीसते हैं, और बाद में लेमन ऐड करेंगे लास्ट में बिल्कुल, और इसमें हाँ मैं जीरा भी ऐड करूँगी थोड़ा सा। तो ये तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें मुझे लेमन ऐड करना है, स्क्वीज करके फटाफट से ऐड करती हूँ। और देखिए ये घर के पेड़ के आज फिर हमें मिले, जैसे जैसे उगते हैं वैसे वैसे पापा तोड़ के ले आते हैं, तो अभी मैं इसे खाऊंगी, और पहले के पहले ये वाला काम कर लेते हैं। और इसमें नमक ऐड होना है, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ऐड करूँगी, और एक नींबू। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। बेहतरीन चटनी तैयार हो रही है कल के लिए। यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, 7:15 हो रहे हैं, पर मैंने इसे बनाने से पहले खाना थोड़ा सा खा लेती हूँ। पूरी रखी थी मम्मी कह रही रखी, इतनी भीग गई है। अभी इसमें ना पल्प निकालूंगी इसका। चलो जी, अब मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ बनाना इसको। ये जितना भी है इसमें डालती हूँ, और धीरे धीरे करती रहूँगी इस तरह से। पल्प सारा निकाल लेंगे, सारा ऐसे ही करके पानी थोड़ा डाल डाल के जितना निकलता चला जाएगा, अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करती हूँ, अपने कार्य को यानी कि। ठीक है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, जब हम मैं सारा पल्प इसका निकाल लूँगी इमली का, तब मिलते हैं। इधर पल्प तो मैंने तैयार कर लिया, और बहन जी इधर अपना पल्ले बनाने में लगी पड़ी है, जैसे हर साल होली में बनाती है। बाद में इसको हींग के पानी में भिगोए जाएंगे। तो चलो ये रेडी हो जाते हैं, और इधर मैं जब तक तैयारी कर लेती हूँ चटनी की। इधर लागत वाली चटनी के लिए तैयारी कर ली है, लागत थोड़ी लगा ली हम लोगों ने, और इधर बस ऑलमोस्ट रेडी हो जाए, ये वाला सेशन एक रह रहा है और कढ़ाई में डालने का, उसके बाद हम ये लगाएंगे। तो देख लो भाई, डिप हो चुके हैं, अब ये भीग के सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल नरम नरम। तो अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ भाई लागत वाली चटनी की। थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं खुशबू के लिए, और बाकी यही सोल्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक, ये सब ऐड होगा हमारा इसमें। ठीक है, जब हम इसमें पलट देंगे, अभी तो मैं फ्राई करूँगी ये सारे ड्राई फ्रूट्स और जीरे, इसको भून के फिर मैं उसमें पलट दूँगी, उसमें बनाऊँगी। तो चलो मिलते हैं अभी। रोस्ट हो गया, अब मैं इसमें पलटवा रही हूँ मम्मी से, मैं इसको भून जा रहा। चलो जी, अब बनाते हैं, सारी तैयार करती हूँ। ये अब बनाऊंगी इसका मसाला, इसको मैंने सिर्फ रोस्ट करा है। बताना कमेंट कर करके इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, आप देख के ही समझ जाना कि क्या क्या चीज़ें इसमें मैंने ऐड करी हैं। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसको मैं फिर ग्राइंड कर लूँगी जार में। ठीक है, लो वे मित्रों, इन्होंने तो बना दी है चटनी इमली वाली। वाओ, ये तो लागत वाली है, नॉट इमली वाली, इट्स लागत वाली चटनी। वाओ, देख रहे हो ना क्या इसमें मगज़ डाले गए हैं, इसमें पांचों मगज। सही यार, बेहतरीन लग रही है। तो क्या बात है, क्या बात है, कमेंट कर दीजिएगा।
देखिए हो, वाह इसमें तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये कल की हो रही है तैयारी, आज तो है छोटी होली जब ये ब्लॉग शूट हो रहा है, तो आज तो है छोटी होली जब ये ब्लॉग शूट हो रहा है और कल है बड़ी होली, कल लगाया जाएगा रंग। यो यो। तो ये तो बाद में लगाएंगे रंग। ठीक है, तो सुबह में अभी थोड़ा सा कुछ ऐसी क्या है कोई ग्रहण हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा चलो देखते हैं होली तो, लेकिन खेलेंगे और भल्ले पापड़ी भी खाएंगे। और इधर सड्डे ड्राई फ्रूट भीग रहे हैं, क्या बात है, अखरोट और चमका रही हूँ इनको, छुआरे खजूर अखरोट और खजूर है। बादाम लेके आना नेक्स्ट टाइम। चलो भाई सब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी होली। यो मैन, हैप्पी होली।